फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू अर्चना की जैन रसोई। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। तो बाजार जैसा टेस्टी और यम्मी बिना मैदे का बना आज हम बनाएंगे जैन पिज्ज़ा। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका हमने यहाँ पर आपके लिए शेयर किया है, तो इस रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिए। और इस तरह की जैन रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट भी आपको ज़रूर करना है। तो पिज्ज़ा बनाने के लिए पहले हमें प्रिपेयर करना है पिज्ज़ा बेस, जिसके लिए मैंने मैदे का यूज़ ना करते हुए यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, दही लिया है हमने आटा गूंथने के लिए, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, खाने का सोडा है ये, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, 2 टीस्पून हमें चाहिए ऑयल। तो आटा लगाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लिया है मैंने, जिसमें डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। गेहूं के आटे की वजह से बच्चे पिज्ज़ा कितने भी खाएं उनके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होंगे, क्योंकि हम आटे का यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी इसमें ऐड करना ज़रूरी है, ताकि ये जो आटा हम लगाएंगे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा, तो आटा पिज्ज़ा बेस जो है अच्छे से बन जाएगा। तो सभी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं और अब इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे। थोड़ा थोड़ा दही ऐड करते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है। तो लगभग मैंने 1 कप दही लिया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा पानी भी यूज़ करूँगी आटा लगाने के लिए। वैसे डिपेंड करता है कि दही में मॉइस्चर कितना है, मतलब दही जो है कितना गाढ़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पानी का यूज़ करना है या नहीं। तो देखिए, इस तरह से आटा लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 से 3 टीस्पून ऑयल, क्योंकि हमने आटा लगाते हुए इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया था। तो अब हम इसमें ऊपर से इतना सारा ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मसलेंगे। तो करीबन हमें 5 मिनट तक इसे मसलना है, और जब ये स्मूथ हो जाएगा तो इसे निकाल कर एक दूसरे बाउल में रख देते हैं सेट होने के लिए। तो बाउल को भी मैं इस तरह से ग्रीस कर लेती हूँ और अब 10 मिनट तक इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि ये और भी अच्छा सा स्मूथ हो जाए। सो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा जो आटा है बढ़िया सा स्मूथ हो गया है। अब फिर से मैं थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाकर इसे 4 पीसेस में डिवाइड कर लेती हूँ। वैसे अगर आपको छोटे पिज्ज़ा बेसेस बनाने हैं तो आप इसे 5 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 हिस्सों में ही इस लोई को तोड़कर रख देती हूँ। अब कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर, इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और यही नमक मैं बार बार यूज़ करती हूँ बेकिंग के लिए। तो क्योंकि हम ये जो पिज्ज़ा है इसे बिना ओवन का बना रहे हैं, तो कढ़ाई हमें प्रीहीट होने के लिए रखनी है। नमक डाल दिया है, एक वायर रैक रख दिया है इसके अंदर और लिड लगाकर रख देंगे। और पिज्ज़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर पिज्ज़ा मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी थाली का यूज़ कर सकते हैं। और बटर से इसे ग्रीस कर रख देती हूँ। अब हम बनाएंगे पिज्ज़ा बेस। तो एक लोई उठाकर इसे आटे में डस्ट करना है और इस तरह से बेलना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे बेलेंगे और मोटा सा बेलना है, रोटी जैसा पतला इसे नहीं बेलेंगे। और देखिए, इसे बिल्कुल इवनली बेलना है, ऐसा ना हो कहीं पर मोटा या कहीं पर पतला हो जाए। सो गाइस, हमने पिज्ज़ा बेस वाली जो रोटी है, हम इसे रोटी ही कहेंगे, इसे मैंने बेल लिया है और अब पिज्ज़ा मोल्ड में डालकर हाथों से थोड़ा सा फ्लैट करूँगी, मतलब इस तरह से इवन कर लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, फोर्क का यूज़ करके इसे प्रिक करना है, ताकि ये जो बेस है फूले नहीं। तो इस तरह से इसे प्रिक करेंगे। और अब हमारी जो कढ़ाई है वो भी प्रीहीट हो गई है, तो इस पिज्ज़ा मोल्ड को हमें कढ़ाई में रख कर करीबन 3 मिनट तक इसे बेक करना है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं कढ़ाई में, और कढ़ाई का जो लीड है एकदम आराम से निकालना है, नहीं तो भाप आपके हाथों पर भी आ सकती है। और अब वेट करेंगे करीबन 3 मिनट तक।
चलिए तब तक टॉपिंग में लगने वाली चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। चिली फ्लेक्स लिया है मैंने, थोड़ा सा ओरिगानो और क्रश किया हुआ हमने ब्लैक पेपर लिया है, टमाटो के स्लाइसेस और कुछ पीसेस लिए हैं, कट की हुई शिमला मिर्ची और बटर लिया है मैंने। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी पिज़्ज़ा सॉस भी यहाँ पर तैयार है, इसे मैंने घर पर बनाया है। जैन पिज़्ज़ा सॉस है ये, आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी आपके लिए शेयर करूँगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है आधा पका है, मतलब इसे हमें कच्चा ही रखना है, पूरी तरह से बेक नहीं करेंगे। और अब इसे निकाल लेते हैं। अब हमें इसके ऊपर स्प्रेड करनी है पिज़्ज़ा सॉस, तो इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे सबका फेवरेट चीज़, तो जितना ज़्यादा आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा डालने के बाद इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी कुछ टमाटर के स्लाइसेस से, आप मन चाहे डिज़ाइन में इसे रख सकते हैं जैसे आप पसंद करते हैं। इसके बाद मैं थोड़े से उबले हुए स्वीट कॉर्न मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। नेक्स्ट बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और बारीक चॉप किए हुए हमने लाल टमाटर भी इसके ऊपर डालने हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा हर्ब्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मेरे पास आज नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। गाइज मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर भी स्प्रेड किया है, लेकिन मेरा जो कैमरा था वो ऑफ रह गया था, तो आपको इसे स्प्रेड करना है। थोड़े से पनीर के क्यूब्स जिस पर मैंने लाल मिर्च लगाकर इस तरह से रखे हुए थे, इसके भी मैं टुकड़े इस पर डाल देती हूँ और ऊपर से फिर से डाल देंगे ढेर सारा चीज़। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मोज़रेला चीज़ का जो यूज़ करते हैं हम, इसे मैंने घर पर बनाया है, और अगर आप चाहते हैं तो इसकी भी रेसिपी मैं आपके लिए शेयर करूँगी, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं इसकी रेसिपी आपके लिए शेयर करूँगी गाइज। सो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। अब 15 मिनट्स तक हमें इसे प्रीहीट कढ़ाई में बेक करना है, तो वेट करेंगे 15 मिनट के लिए। और इसी तरह से हमें दूसरे पिज़्ज़ा भी रखने हैं बेक होने के लिए। सो गाइस 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे मैंने निकाल लिया है और अब इसे कट भी करेंगे। तो आई होप कि आज की ये जैन पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही जैन रेसिपी सीखने के लिए। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।